शंभुनाथ पाल चांदपुर के धरती से एक क्या रुपए का पुरस्कार देके आप सम्मान के लिए बाबूजी के चरणों में सौ सौ बार नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही कार्यक्रम का शुरुआत मालिक आई परंपरा है कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले मशीनों से सही करा लेना चाहिए। अब तो और मशीन सही ना भैया अब तो सीटीए दी हर खर्च है। कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने इष्ट देवी देवता को मना लेना चाहिए। जैसा कि बताया जाता है पल को चाहने वाले भाई पीर बजरंग बली की पूजा आराधना वंदना करते हैं। धन को चाहने वाले भाई माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना वंदना करते हैं। हमान गायक कलाकार मंचासीन माँ सरस्वती का आराधना वंदना करीला बाबू जी मेहरारू के चाह वाला लो वो तोरे बाबू का पूजा कर रहे हैं। मेहरारू के चाहे वाला लोग एकरे बाबू का पूजा करन है। काहे के बाबू का पूजा करन है? मेहरारू दिया वक काम करन है। हाँ सही बात बा आप लोग बुरा मत मनी हा इनकर बाबू अगुवाई का काम करन है। जिंदगी में बड़ी शादी करौलन धोखा हमान के साथ है कहीं ना यह प्रचार करे वाला हुआ पागल साले पेपर में निकलवा देवे चाहिए नहीं अब हुआ है आदमी अच्छा उलन के उनको ब्याह करा दे जोड़ा मिलवा दे दे सबसे धर्म का काम धरती पर। तो आज इस मंच के माध्यम से बाबू हमरा के सबकर जरूरत बा उपस्थित सज्जनों आज कितने खुशी की बात है इस महफिल में हमें आप लोगों का दर्शन करने का मौका मिला। कोई भी कलाकार लेडीज हो या जेंट्स कलाकार अच्छा गाता नहीं है वो तो हम लोगों बजा बजा के गवा देते हैं। तो हम लोग का करे बैठे हूं ये लोग पैसा देवे खातिर बैठे हैं पैसा और लाइटर कलाकार अच्छा गाता नहीं है ना कोई कलाकार बड़ा होता ना कोई कलाकार छोटा होता है। उम्र में भले बड़ा छोटा हो जाए लेकिन कलाकारी में कोई बड़ा छोटा नहीं होता ना कोई कलाकार स्टार होता है। स्टार तो आप लोग हैं इसलिए नीचे हैं आप लोग। कलाकारों की सारी शक्ति लेकर के आप लोग बैठे हैं। अब भाई आप लोग चलिए कलाकारियां ये पांचों मिनट ना टिकी लेकिन आप लोग हुआ तो अमान कलाकार यहाँ टिकल हिला
अगर क्यों का देन बा तो आप लोगों के देन बा, इसलिए मैं आप लोगों की चरण की दासी हूँ। आप लोग अपने चरण की दासी समझ कर बाबूजी जरूर आशीर्वाद देंगे। हम गायिका उजाला यादव आजमगढ़ के धरती से चल के यार बनी ए महान धरती पे आप सब भाई के दर्शन पा करके हम पूरी पार्टी से धन्य हो गई। भाई दोनों गोलियां नाराज हो गई है का संदेशा ले लगा। अरे भाई अपना है पार्टियां खाली कहा तू ना। देखिए हमसे चाहे हमरे भैया का नमो और राजेश भैया से और चाहे हमरे प्रेम भैया से कौनो भी गलती हो जाई देखी सम्मान की हमारे बड़े भैया पिंटू कारीगर लक्षीपुर रानीगंज से जो यहाँ खाना बना रहे हैं। आप लोग का बड़ा योगदान बाकी उजाला का बिरहाया हुई ये पूरा कमेटी के ठेकेदार हूँ। चाहे कितनो बड़ा व्यवस्था आप लोगों के देवे के बाद कौ हजारों कई 10,000 का भीड़ 20,000 का भीड़ इकट्ठा कला और खाना का अगर ठेकेदारी देवे के बाद तो हमारे पिंटू भैया के आप लोग क्या मोबाइल नंबर नंबर हाँ भैया ये गलत केला मोबाइल नंबर वा ना देला। अब फिर 100 रुपया दे तब नंबर बुलाए। अब की बार नंबर बुलवा लिया जरूर काहे से केहू के भी कभी भी खाना बनवावे कोई तो आपसे संपर्क जरूर करिए। काहे से बड़ा नंबर एक का खाना बड़ा स्वादिष्ट खाना बा चावल बनवले रे हमरे पार्टी वाले खाए के बड़ा मगन भइले। हमसे जाए के बखान को तो उजाला ना खाइबू तो बड़ा पछताइबू। चला खा ला अंकल भैया तब इतनी बड़ी बात है तो जरूर खाई। बहुत बहुत प्रणाम भैया के विजय शंकर यादव घाटमपुर के धरती से 1 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। से भाई के नमस्ते प्रणाम बा। देखी धूप तो बड़ा करारा बा और धूप तो इतना परेशान हमारा के करे ले। आप लोग तो छाव में हो गए ला उजाला धोपी में हो गए ली फिर भी कौनो बात नहीं बा। आप लोग तो एकदम निराले धूप में बड़ा कैसे बैठल बनी। ये लोग खाले खाना के इंतजार कर रहे देखी नहीं गावे बजावे में मस्ती में धूप सहाज ही पता ही ना चली। तो हम चाह बनी कि 2 मिनट का माता रानी का वंदना हो जा अजोर की जरूरी बा। ये अपने हिंदू धर्म का रीत रिवाज बा तो आई मालिक तेरी कुछ हो जा भक्ति भजन। Yeah,
किनार लगी नहीं तो बीच धारा में डूबी माई, लेकिन कौना भाव से कहलस माई चल। Yeah.
पार्टी से राजकुमार यादव जी बाबू जी की तरफ से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के जा रही। शंभुनाथ पाल चांदपुर के धरती से, भैया जौनपुर चांदपुर के हरे से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के जा रही। सब भाई नमस्ते प्रणाम कहना है। पीरापुर की धरती से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के जा रही। कहना है क्या, भैया ये बताया करिया हमारा पे चांदपुर के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद के जारी। कहना है सुखी रखे हर मोर पे तरक्की दे, ऐसे इन बिरहा का मान सम्मान आगे बढ़ावल के लिए 51 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। जगदीश यादव बीरापुर की धरती से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद का जा रही। पप्पू भूतपूर्व प्रधान बाबू जी की तरफ से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कहना है लालच बढ़ा के ढेर आई दादा वो थो पहले दादा का सम्मान करी। सिंगर राहुल यादव के माता पिता गोपालपुर के धरती से, अच्छा गोसाईपुर के धरती से हमारे बाबूजी की तरफ से, जो आप कलाकार के पिताजी हैं, बड़ा गर्व होता है जब बेटी बेटा कलाकार हो रहा ना, तो बहुत बहुत पिताजी के प्रणाम। 1,00,000 रुपए का पुरस्कार स्वर्गीय पुलिस राम यादव जी की तरफ से पीरापुर के धरती से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, भैया के बहुत बहुत प्रणाम। लल्ला यादव घाटमपुर के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, बाबूजी के बहुत बहुत प्रणाम। राम सूरत यादव अघेईपुर के धरती से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, जोखू
समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही दादा चोखूलाल यादव जी की तरफ से एक पुनः दूसरा पुरस्कार, 1 रुपए का पुरस्कार समाजवादी की चाहिए। आता जरूर हो समाजवादी तरी ए बंदना का आखिरी लाइन बबल जता जन माई बाबू रखलो सवाल के नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद के जारी कहना है कहना है नहीं तो न दुख में मैया तब तू गवा बेलो नहीं तो न दुख में मैया तब तू गवा बेलो देखे हर दबैया पनवलू गवै धीरज जी यादव बाबूजी की तरफ से
अखिलेश कुमार यादव, सुरेश कुमार यादव ग्राम कुशमी से 1 लाख रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा है जैसा तभी कुछ बजा दा, ओकरे बाद एक समाजवादी गीत हो जा, अब कुछ बढ़िया गीत जैसे कि भैया लोग गौलन हो सही को लोग थे गीत तो नहीं बढ़िया हो जाए। आओ तभी बजा के पहले यादव, खुरदाहा पूर्व उपाध्यक्ष ए पी
यू दिल्ली विश्वविद्यालय एवं पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद का चाह रही प्रदीप यादव जी बाबू जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम कहना है। विनोद कुमार यादव करनाईपुर चंदूपुर चंदूपुर हमारे मास्टर का नाम चंदू है चंदू यादव उर्फ चंडाल यादव ये देखिए प्रवीणा जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार सब भाइयों के नमस्ते प्रणाम आशीर्वाद के जा रही मास्टरों साहब की कसम खाई ले हूं देखा हमार बगल में ही बिरादरी प्रेमचंद भैया ये हमार बिरादरी लोग बैठे हुए हैं कैसे तू जान के लो सब में नहीं रहे अरे यार अहिर का बात यहाँ ना यहाँ बिरादरी बाटा ना है बिरादरी का मतलब हमार नारी पक्ष हमार नारी बिरादरी आई पुरुष बिरादरी आप लोगों के लेकिन तुम्हारी बिरादरी आपको पैसा दे ही ना नहीं देखिए कौनो जरूरी ना बा कि हम रुपया पैसा पर भी रहा गईला ये तो गेहूं चावल पे भी रहा गा देने हां तो लाइक का बोरा घूमते सारे पब्लिक में मिल जाई देखिए कौनो पे हरारो बा गुस्सा गईल बा गुस्सा ना पहले पीछे से पैसा ला देखला हमारे बिरादरी का तो अरे बिरादरी का हमारे बिरादर भारी बा हर बिरादरी कैसे भारी है स्वर्गीय सरसू यादव बाबू जी हमारे जिला आजमगढ़ के धरती से आप एकदम बहुत हमारे पड़ोसी बनी 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सुनीता यादव जी आपके भयो हैं जिला आजमगढ़ के धरती से एकदम मार करीबी पड़ोसी अच्छा हमारे भैया जी कमाई निर्मला यादव जी आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार श्रीपाल यादव जी भैया उनके आंख मार मार बुलावत रहा है ए भैया ए सगरा सुंदरपुर से श्रीपाल यादव जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जा रही अच्छा देखिए बाबू कौनो मेहरा रूपा थोड़ा सी आप लोग सुना मरद बड़ा बहकौना होला मेहरा रूपा फट दिना बहका लेना कौनो मेहरा रूपे हाँ दाव खाली बैठ जा मरद अपने मरद के बात है दूसरे मर्दन का बात नहीं मेहरारून से जब काम लेवे के रही कहीं धनिया ए हमार रनिया ए गोलू का मम्मी ए हमार पोपो तो है ना शॉपिंग कराई तो हके ना झुलनी गढ़वाई नई साड़ी ले आई वो खाली रहती है घर गढ़ाले अच्छा देखिला खूब बहकावत हुआ दो दिन बर्दाश्त करी मेहरारू 3 दिन बर्दाश्त करी अब चौथे दिन काहे बर्दाश्त करी अब गुस्सा आ गई मेहरारू कल से गलुआ का पापा सुना ना खाइब ना पीब ना डोलब ना बोलब ना चला राम नंद यादव बाबू जी दोराज के सराय से बाबू जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जा रही मेहरुआ कलस ना खाइब ना पीब ना डोलब ना बोलब ना दरवाजा खोला अब आई हम ममऊ तू पी के रात भर बाहर अकेले सुत्या ओई केवारी तक कुत्ते के
खटखटैबा लेकिन केवारी खोलब ना। मेहरुआ कहत बा का कहले बा चल जाए। गवैयर की एनर्जी होले उनके देवा था। हाँ, मलिकार तो देते रहो। मलिकार तो दी है ना हम।
मत विश्वास हो। हाँ आई, लेकिन गाना पर गौर करेंगे। गाना है और एक तो है सबा लगावा या बाबू, और एक तो है सबा लगावा या बाबू, दिनवा नहीं खेतूर, अरे वो दिनवा नहीं खेतूर, यही है पाइस में पैसा ही कैसे अखिले बजे करो, यही है पाइस में पैसा ही कैसे। पप्पू यादव श्राय खंडेरा से, ज्ञान बहादुर भैया की तरफ से ₹1 का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चार। इंद्र बहादुर कोटेदार जी की तरफ से ₹1 का पुरस्कार, खुदा खुर्दा के धरती से बहुत बहुत भैया के प्रणाम। बादल यादव गोसाईपुर से आई करण की समाजवादी की थोड़ा के चाहिए भैया आप वाली होता। और एक देखे हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे बिरहा के शुभचिंतक हैं, पिंटू ठेकेदार कारीगर लच्छीपुर रानीगंज थाना से प्रतापगढ़ से ही, खाना बनावे के बाबू कारीगर हूँ। अब फरमाइश बाबू रही जलेबिया बिकाय पिया मेलवा में, अरे बाप रे बप्पा, इतना याद है दिला दला भैया। ऐसो मेला में इतना हमान घूमली, लेकिन कत तो गुरहिया जलेबी ना मिला, नहीं मिला लेकिन खाए का नसीब ना भाई। ये देखिए भैया का नंबर है, जाके भैया खाना ना बनवावे के संपर्क करे के रही शादी ब्याह भात के अवसर पे, तो 9793717127। ये भैया का नंबर बा, बहुत बहुत प्रणाम है भैया का, फरमाइश पूरा हो जाये। गुरही जलेबिया आ जा बच्चन, आई महामारी लेके यही सन्नी खोटी, यादव का एक करनिया देखी के हो, जय जय बोला हिंदुस्तान।
लग जा तो ठीक रहा, तेरे घरे आराम से सुत कर जा। लॉकडाउन लग जाई, भूखन लोग मरे लगी, शिक्षा खत्म हो गई, छोट छोट लड़का जवन देहात में बड़ा सहारी तनी मनी पढ़ लेत हुआ घर में, माई बाबू चलाक हुआ पढ़ा लेत हुआ, लेकिन आई किसानन के बेटवा बिटिया का जिंदगी खराब हो गई। लॉकडाउन फायदा खाली लेत हुआ। आज की समस्या है स्कूल बंद। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते थे, कहते थे कि भाई और बहनों, मैं देश से गरीबी मिटा दूंगा। शेर बहादुर यादव खानदेव के सराय से बाबूजी की तरफ से समाजवादी गीत पर 1 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम मुन्नीलाल यादव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। प्रधानमंत्री जी यही बोला करते थे, भाइयों बहनों, मैं तो एक गरीब का बेटा हूँ। वाह, बारे मोदी का पोती। अरे नहीं भैया, हम उजाला यादव हैं। हाँ, मिलावट तो मोदी है, मत रहो। काहे मैं देश से गरीबी मिटा दूंगा, क्योंकि मैं एक चाय बेचने का काम करता था, मैं ट्रेन में चाय बेचता था। इस समय ट्रेनें बेच दिया हूँ। बताइए, अरे आप गरीबी क्या मिटाएंगे, आप तो गरीबों को मिटा दिए। लॉकडाउन में हमारे देश के इतने गरीब मरे बापू, बिना मौत मरे, इतना तक भयल झूठे ही कोरोना घोषित करके उनका प्राइवेट पार्ट निकाल लिहल जा, निकाल के किडनी और कुछ अंदर का सिस्टम निकाल करके विदेश सप्लाई कर दिहल गए। खाली घंटिया ना ले जा प्राण निकाल के। बताइए, अरे जेकरे घर का जे गैल हुई बाबू ना, ओकरे दिल से पूछा कि कोरोना के का कहता, ये सरकार के का कहता। इसलिए आप लोगों से कहना है कि रावण सरकार को हटाना है, यूपी को आजाद करना है तो समाजवादी सरकार लाना है। इसी भाव पर सम्मान किए चंद्रशेखर एडवोकेट साहब, माँ बड़ा ही स्टूडियो लच्छीपुर रानीगंज प्रतापगढ़ के धरती से, भैया का स्टूडियो, अरे भैया का कैमरा सामने लगल बा, बड़ा बढ़िया कैमरा बा भैया का, तीनों यहाँ पे कब आ? तीन ठनारे तो दो ठके से काम चले। बहुत बहुत प्रणाम भैया के, सब भाई के नमस्कार, प्रणाम बड़ के कहना है मालिक। चारों धाम के यात्रा करके बाबूजी एलन दुआरे पर अपने भोजन करावत हुन, इस सबसे बड़े भाग्य के बात बाकी केकरा दुआरे पर भोजन लोग करे। महेंद्र प्रताप सिंह, पीडीसी गोसाई गंज से,
अच्छा गोसाईपुर के धरती से, हाँ आपके के नाम बस एक चलते बनी भैया, एक से रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्राप्त आशीर्वाद के जा रही। चलिए बाबू तो छोटा सा प्रसंग आप लोग यहाँ से महाभारत सुन ली और वहां से सृष्टि के रचना लोग सुन ली, लेकिन हम आप लोगों के एक रामायण का प्रसंग सुनावे चलते बनी। आई मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा, हम भी गंगा चैनल पर गौले रही, आप लोग टीवी पर देखले हुई हन, तब तो लोग बतियाता रहल हुई। का बतियाता रहल? कनक टीवी यही है उजाला है गा। अरे भैया टीवी पेशेंट ना निकल लो, अरे हम रोगी ना बनी, टीवी यही है का मतलब लोग कहले हैं जो टीवी पे गौले हो वो है आई हो। टीवी यही है, टीवी पर हमें गीत के गौली, आप लोगों का बड़ा प्यार दुलार मिलल। ए गीत के लिखे वाला हमारे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी, आई हम गौली के करा बजे भोजपुरी का अभिनेता बड़े भैया दिनेश लाल निरहुआ बजे। कैसे गौली मास्टर साहब? लक्ष्मण को शक्ति पान लगा था उस समय हनुमान जी ने संजीवन बूटी लेने गए थे तो सूरज की सयोजन ऊपर से, अरे हनुमान जी पीछे बैठल तम तमार के खड़ा हो गई, खलबली बच गई। हनुमान जी को एक कान फुसुंडी होश में नहीं तो डायनामा पकड़ के तो कले बेहोश हुआ कि होश में हुआ? काट भुसुंडी कर भयल का दनी बतावा का हमके पहचानत हुआ हमके हिला? काट भुसुंडी कला हाँ पहचानत है तो बड़का बाना रहुआ। देखा खड़ा होके देखा दे खड़ा होके का तो के समझा थैला, अरे हनुमान हुआ भगवान के तू भक्त हुआ। अब हनुमान के तो गुस्सा चढ़ल कि जान के हमारे समन्वय हमारे भगवान का पड़ जाती तो हके पता ना बा जौने समय लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल हम संजीवन बूटी आने गई तो सूरज से मिल के गई काली उगबा तक घोट जा नहीं तो उगया मौत। आवी बतिया का भुसुंडी माने के तैयार है ना हो? कहले नहीं आप सूरज की संयोजन ऊपर से गए थे। हनुमान जी गुस्सा में लाल कैलन का मास्टर पिंटू भैया भोजन बनावे वाला कारीगर इनके रखे हुए फरमाइशिया रलिए गुगुरही जलेबिया बिकार पिया मिलवा में भागवतगंज की धरती से 111 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। मजर लहा दिया खुदाई देख के
पूरा कर दे बनी कर भी जरूरी बा ए सुरही चले दिया पिता किया सरियापुर हो सरियापुर के धरती से आनंदी यादव जी की तरफ से एक रुपए का पुरस्कार एक गीत के भाव पर, लेकिन बाबू बिरहा पर ध्यान दिए है। हनुमान जी गुस्सा में लाल अब कथवा के करत क्या हुआ भाई जैसा गजब हो गया भगवान राम को का गजब हो गया का वही जंगलवा में का भुसुंडी कथा सुनावत रहल रोज तो बड़ा बढ़िया कथा रहल सही कथा रहल लेकिन आज का कथवा एकदम निराला झूठ रहल है। भगवान राम को कैसे हनुमान जी को का भुसुंडी कहतला है जौने समय लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल हनुमान जी संजीवन बूटी लेवे गइलन सूरज के सयोजन ऊपर से। अरे प्रभु जी आपका बेइज्जती हम बर्दाश्त करबे कलत कैला का कलत कथवा के भंग कर हली। अरे बाप रे बाप भगवान राम सोचे लगले कलो मेरे भक्त हनुमान को भरम हो गया इस भरम को निकालना पड़ेगा। तब भगवान राम कहले कि हे हनुमान बहुत बड़ी गलती कैला जो कथवा के भंग कैला तोहके पाप लग गयल आय के हमसे सुना दला हम सुन लहली हमके सुनले के नाते आधा पपवा लगी गयल। अच्छा गौर करेंगे बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू खाली गलती कर ही वाला पापी नहीं होते हैं कि जो पाप किया वही भागीदार है नहीं जो पाप को सुन लिया पाप को देख लिया आधा पाप काट लेता है।
भगवान राम कहले अब पाप हमहू के लगल अब तोहू के लगल अब होई का। हनुमान जी कहले प्रभु जी कौनो उपाय हो तो लगाई। भगवान राम तो कुल जनते हुआ उ तो भरम मिटावे के बाद कहले कि एक उपाय बा। कौन उपाय बा भगवान राम करत का हुआ। चीनी चाई आहो पूरु पावा आयो रामा चाई आहो पूरु पावा चाहा बनाली बिना बचरो रामा चीनी चाई आहो पूरु पावा आयो रामा चाई आहो पूरु पावा चाहा बनाली बिना बचरो रामा चिंतक भैया हुआ पवन कुमार यादव विजय कुमार यादव दिनेश कुमार 100 रुपया में 3 जने वाह। ये लोग का कमाओ साझा चल रहा भैया रुपया पैसा में साझा कर ली। हां लेकिन मैं हरारो मत करा लो। हां नहीं तो वहां बवाल हो जाएगी। मटर पैसा रुपया में तो उजाला 100 रुपया में 200 जने का नाम बोल दिया। लेकिन मैं हरारम कैसे हो ना हो सके। लेकिन मेरा आप पर ध्यान दे भगवान राम कहत बड़का बोले प्रभु सोना सोना का पिरैया आयो राम सोना सोना का पिरैया चला चले सारा जुड़ाए छोड़ी दा नौकरी आप
जान बुझ के अपन अंगूठिया निकाल के वही पनिया में गिरा धलन। हनुमान जी से कहलन, अरे हनुमान गजब हो गया, हमारी अंगूठी तो पानी में गिर गई। हनुमान जी हर बाहर ना देखल छपाक से पनिया में पनिया में कूदल अंगूठिया भी जमा जात बा। हनुमान जी देखत हुआ पकड़ल चाहत हुआ, लेकिन बाबू अंगूठिया पकड़ात ना हो। अंगूठी पहुंचल कहाँ जरा गौर करेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। अच्छा संतलाल सरोजी भैया झांकी निकालन भीरा पट्टी से, बड़ा बढ़िया कर झांकी बा। झांकी झांकी भई ना जानत हो झांकी ताकि ना, वो झांकी थे होला। बहुत बहुत प्रणाम, लेकिन बिरहा पर ध्यान दे बाबू भैया। अब हनुमान जी पहुंचल कहा पतालपुरी में, अंगूठिया ना मिलत हो। वही पतालपुरी में एक थे साधु मिल गई, देखा भगवान के लीला। साधु मिलवा तो भक्ति में लीन हुआ, कहत का हुआ सीताराम 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 आसाराम के सार हम। हाँ सीताराम 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 कहले हमें। हाँ राधे से हमको सार में समझ गए। हनुमान जी कहलन आज तिल में थोड़ा से तिल में तिल पड़ल। हनुमान जी का कहलन कि आप उनके दिल जवन हो थोड़ा से बढ़ल। कहला हमरे प्रभु जी का भक्ति अब कोई भक्त है पतालपुरी में। लेकिन हनुमान जी डरात हो बड़ी हिम्मत कैलन जाय के हथवा जोड़ के ऐसे कहले प्रभु जी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ आप बता सकते हैं। अच्छा तो भक्ति में लीन साधु बाबा अपन भक्ति तोड़ रख रहा। हाँ बचवा बोलो का हमारे प्रभु भगवान रामचंद्र जी के ठे अंगूठी आई है आप देखला है का। साधु बाबा कला बचवा हाँ हो जन घड़ीला देखत हुआ ना वही घड़ीलवा में जाके समा गई बा जैबा हथवा डलबा घड़ीलवा में अंगूठिया पाजी बा। हनुमान जी गईलन वही घड़ीलवा में हथवा डालत हुआ तो भयल कमाई चल साहब तेरी कल गाजियाबाद से बाबू यादव जी एक से एक रुपया पैसवा कहाँ भैया पैसवा दिया ना पैसवा मंगल भैया लेला बाबू भैया। अच्छा यहाँ से पैसवा आई हाँ एक मिनट तक ले ली नहीं तो हमारे घरे तो पहुंचावे ना जाइए बहन। सुनीता यादव गरिमा गार्डन से गाजियाबाद जिला गाजियाबाद। निर्मला यादव जी गाजियाबाद से गरिमा गार्डन ना भैया। विकास यादव जी जिला गाजियाबाद के धरती से। विशाल यादव जी गाजियाबाद के धरती से। गजने भैया भैया कहा जने पांच जने हाँ चार जने भैया। अच्छा नीतू त्यागी पार्षद जिला गाजियाबाद के धरती से। गरिमा गार्डन से आपके तरफ से आप लोगों के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के चाह रहे आपको नाम हम भुलाए न पावे। किशन यादव जी के तरफ से 100 रुपया उधार रही है। आई बिरहा पर ध्यान दे दो मिनट के ही बिरहा मार रह गई बा जेके देवे के रुपया पैसा दे ले नहीं तो 2 मिनट में हम बैठो नहीं तो आत्मा भटकी बाद में। हनुमान जी घरेलवा में हथवा डलन तो भयल कमाई चल साहब। देखत महावीर का धर्म लगी लगाई 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 लगाई
गो अंगूठी और 108 गो अंगूठी के लेके हनुमान जी सॉरी 107 गो अंगूठिया कोई घरेलवा में रख दल आ एक ठे अंगूठिया जवन तुरंत का गईल रहल वही साधु जी से पूछला कहले प्रभु जी जवन अबहिन के आई ले उहे अंगूठिया दे दा साधु बाबा निकाल के वो अंगूठिया दहलन ले के हनुमान जी भगवान राम के पास अलन अब बड़ा उदास है के पूछत हो प्रभु जी आपके अंगूठी एक गो गईल है पतालपुरी में जाके 108 गो अंगूठी हो गई एक कारण हमके बता दी तो भगवान राम बतावत हुन का बतावन भाई जैसा रमेश यादव कोंडे प्रभिया जी की तरफ से 1 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के जारी कहना है बोले भगवान हनुमान जी का टंगरी हिले लगल कहना प्रभु जी हमके यही जन्मवा का बतिया याद रहल है कैली त सूरज से मिल के गलली और 107 बार का बात हमके पता ना बा लेकिन प्रभु जी एगो काम को दई जवन 107 गो अंगूठिया पतालपुरी में बा आ एक ठे अंगूठिया ही 108 गो अंगूठी के लिए आके कलयुग में कोनो स्थान दे दई जौने से आपका पूजा लोग कलयुग में भी करे आज भगवान रामचंद्र जी का पूजा एक कलयुग में कैसे होत बा बिरहा के आखिरी लाइन बा आप राकेश यादव लाले वीरापुर के धरती से 1 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम कहना है स्थान दलन जोन 108 को दाना कर रुक्त राक्ष के कोई लोग कहेला तुलसी कमाला अगर 107 को दाना कमाला बा तो लक्ष्मण कमाला हो कहे वो छोट हो मा तो कहे ए महान आदमी का 107 को दाना कमाला बा तो नकली बा 109 को दाना कमाला बा तो हो नकली बा जब तक कि 108 को दाना कमाला ना बा
तब तक भगवान का भक्ति पूरा ना हो सकेले। यही लिए हमारे हिंदू धर्म में लिखल जला श्री श्री 108। ये हमारे गुरु जी का नई खोज रहा पिरा के आखिरी लाइन में मास्टर साहब के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा राकेश यादव बबलू भैया के छोट भाई बीरापुर के धरती से हमरे भी बड़के भाई के नाम राकेश बा भैया के बहुत बहुत प्रणाम 100 रुपए का पुरस्कार से भाई के नमस्ते प्रणाम। उस गाँव बजाओ में गलती भैलो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करेंगे कहना है